सरकार ने एक और योजना में आधार को जरूरी कर दिया है। इस बार गर्भवती महिलाओं या नवजात शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं को मिलने वाले सरकारी अनुदान के लिए आधार कार्ड जरूरी बना दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत महिलाओं को 3 किश्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपए प्रसव से पहले और 1,000 रुपए प्रसव के बाद। अधिसूचना के मुताबिक स्कीम के अधीन फायदा उठाने वाली हर महिला को इस बात का सबूत देना होगा कि उसके पास आधार कार्ड है, और अगर नहीं है तो आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। महिला और उसके पति को या दोनों में से एक को आंगनवाड़ी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराने के 90 दिन के अंदर आधार नामांकन के लिए आवेदन देना होगा, और जब तक लाभार्थी या उसके पति के पास आधार नंबर नहीं है, उनको सिर्फ इन शर्तों पर योजना का फायदा मिल सकेगा। उनको अपने आधार नामांकन स्लिप के साथ कोई अन्य सरकारी आईडी प्रूफ देना होगा और एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो किसी और आंगनवाड़ी से स्कीम का फायदा नहीं ले रहे हैं। इन सब के बावजूद किसी भी लाभार्थी को तीसरी किश्त, जिसमें 1,000 रुपये मिलते हैं, तभी मिलेंगे जब उनके पास आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी होगा। नमिता सिंह, गो न्यूज़।